अगर आपके पास लगभग आधा कट्ठा जमीन और लगभग 5 लाख रुपए की पूंजी है तो आप एक पूरा का पूरा फ्लोर मिल यानी आटा चक्की का प्लांट लगा सकते हैं और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। प्लांट का कॉस्ट क्या आएगा और किस किस तरीके का प्लांट? ये देखिए, ये क्या है कि जिनको लगाना होगा वो आएंगे, थोड़ा विजिट करेंगे, देखेंगे अलग अलग वेरायटी में प्लांट। आप बता दीजिए कितना आता है, मतलब लगभग मिनिमम में? अगर 5 लाख से स्टार्ट होता है मेरे, 5 लाख से प्लांट आपका स्टार्ट होता है और आगे भी इसका। हाँ, आगे भी है। और जमीन कितना लगेगा, स्पेस कितना लगेगा इसको सेट करने में? मतलब आधा कट्ठा भी बहुत है। आधा कट्ठा जी, अगर उससे कम हो किसी के पास उसमें भी हो सकता है। आधा कट्ठा में तो अपना कुछ स्टॉक भी कर सकते हैं गेहूं का। यानी अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो कभी रुके ही नहीं, तो फ्लोर मिल लगाना एक शानदार आइडिया हो सकता है। ये खुर्शीद आलम हैं जो इस फील्ड के महारथी हैं। ये फ्लोर मिल बनाने वाली फैक्ट्री के ओनर हैं और सिवान, छपरा, गोपालगंज के अलावा बिहार के अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग इलाकों में ये फ्लोर मिल लगवाने का काम करते हैं। कहाँ कहाँ लगवाए हैं आप फ्लोर मिल? बहुत सारा लगा है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में ही कम से कम 7-8 होगा प्लांट। पूरे बिहार भर में अभी 42-44 लगभग प्लांट लगा चुके हैं और मेरा प्लांट गुजरात में भी चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है। खुर्शीद का कहना है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग मिलें कम खर्च में अधिक उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने वर्षों तक इस दिशा में शोध किया है और ऐसी तकनीकें विकसित की हैं जो कम बिजली की खपत में भी अधिक उत्पादन करती हैं। वो अपनी वर्कशॉप में इन्हीं उन्नत तकनीकों के आधार पर मिल तैयार करवाते हैं। यहाँ देखिए, ये तमाम कल पुर्जे हैं, थोड़ा अंदर दिखाते हैं। यहीं पर फ्लोर मिल तैयार हो रहा है, देख लीजिए। बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं जो फ्लोर मिल में इस्तेमाल होती हैं, एक ही मोटर होगा इसमें, इसी से पूरा सेटअप चलेगा। हम लोगों का अपना एक ये होता है मेन, आपका मोटर ये है। हाँ, बस यही है, इसी से पूरा सेटअप चलेगा, क्लीनिंग का भी और मिलिंग का भी, दोनों काम होगा एक ही साथ। ये ऐसा चीज है ना, ये इतने कम पावर कंजप्शन पे चलता है जितना कि गांव में लोग एक चक्की चलाते हैं ना, ये उसी पावर कंजप्शन में पूरा एक सेटअप चलता है जो फ्लावर मिल बोल के उसको चलाते हैं हम लोग, उसी खर्चे पे चलता है ये। 15 HP का उन लोगों के पास भी मोटर होता है जो एक सिर्फ चक्की चलाता है। 15 HP का एक मेरे पास भी मोटर होगा जो पूरा सेटअप चलाएंगे हम, मतलब क्लीनिंग से मिलिंग वन टाइम, दोनों करके भी मोटर अंडर लोड होगा। 2 चक्की के प्लांट में कम से कम 10-12 मोटर लोग लगाते हैं इंडिया भर में, चाहे जो कोई भी बना रहा हो। अगर कोई इससे कम लगाता नहीं है, मतलब ये है कि अब इसमें ट्रांसफार्मर की भी जरूरत है और ये कम से कम 45 किलोवाट, 40 किलोवाट पे चलता है जो हम 19 किलोवाट पे चलाते हैं। अब ये है कि मेरे एक 15 HP के मोटर पर 30 HP का लोड होगा बेशक, आप कैलकुलेशन करिएगा तो देखिए कि ये ऐसे करके 15 के जगह कम खर्चे में बढ़िया बड़ा रिजल्ट होता है। लेकिन ये 15 HP का मोटर ही पूरा 30 HP का काम करेगा, फिर भी अंडर लोड रह के करेगा, खर्चा कम आएगा, उसका जो है प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा। एक चक्की के ही कॉस्ट पे ये चलता है पूरा, बिजली का कॉस्ट सबसे कम, इससे कम में कोई भी प्लांट नहीं चला सकता। हम लोग शोध करते हैं, हम लोगों ने बदलाव किया इसमें, है ना। अब क्या है कि पहले जो कोई भी यहाँ आए, यहाँ से आटा लेके जाए, खाए आटा, इसके बाद फिर सोचेगी क्या करना है। सारण जिले के ताजपुर बसही के बलुआ टोला स्थित मिल सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक खुर्शीद एक सादा पर बेहद समर्पित व्यक्ति हैं जो क्वालिटी में विश्वास रखते हैं। उनका दावा है कि उनकी मिलें टिकाऊ होती हैं और शायद ही कभी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर मशीन के पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। उनके साथ बातचीत का ये पूरा हिस्सा जरूर सुनिएगा। तो यही कुछ है, अगर मानिए कि हम कोई एस्टिमेट कटौती करते हैं और क्वालिटी बिगड़ता है, तो जहाँ भी प्लांट जाता है वहाँ कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है,
मान लीजिए कि कोई कहता है कि आपने कि हमारे सर्किल में कहाँ प्लांट लगाया, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ प्लांट लगाया, हम बताएंगे फलां जगह लगाए हैं। अगर वो वहाँ जाता है विजिट करने, उससे रिश्तेदारी नहीं है, तो वो बोलेगा कि साला हमको फंसा दिया। लेकिन अगर वो अच्छा चल रहा है, खुश है, तब तभी मेरी भी, हमें भी आपके बारे में बताया ही गया है, किसी आपने जहाँ प्लांट लगाया है उन्होंने बताया कि आप जो है प्लांट लगवाते हैं और बहुत खुश हैं। बताना नहीं चाहते, बहुत लोग बताना भी नहीं चाहते, इसलिए कि लोकल की बात है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अपने नज़दीक में अगर हैं, बिहार की बात है, तो कोई भी दिक्कत होता है तो अपना आदमी भेज के उसको ठीक करा देते हैं। हालांकि एक सोचने वाली बात है कि इतना सारा प्लांट चल रहा है, अगर सब में मेंटेनेंस ही होने लगे रहे तो फिर हम कहाँ टिक पाएंगे, उसी में आदमी लगा रहा है। इसलिए ऐसा हम लोग सोचते ही नहीं कि अभी कोई गड़बड़ हो, जो कुछ भी हो वो एकदम टूटा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और तगड़ा प्लांट हो। वही कैसे आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं अगर कोई प्लांट लगवाना चाहता है फ्लावर मिल? मोबाइल नंबर होगा तो आप उस पर बात कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी 9934250600। चलिए, आपके स्क्रीन पर डिटेल है, अगर आप फ्लावर मिल आटा चक्की लगवाना चाहते हैं और एक उद्योग, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर फोन करके आप पता कर सकते हैं। बाकी का डिटेल जो है, हमने थोड़े तौर पर कम समय में आपको एक कोशिश की है कि आपको इस बात की जानकारी दें। ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और फ़ोन करके आप पूरा डिटेल में बात कर सकते हैं और खुद आकर के भी देख भी सकते हैं। एड्रेस भी आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक कहावत सुना होगा कि किस चक्की का आटा खाए हैं। पुराने जो ट्रेडिशनल परंपरागत ढंग से जो आटा चक्किया हुआ करती थी, वो तो आपने देखा है, आटा खाया है, लेकिन आजकल की जो आटा चक्की है वो बहुत मॉडर्न हो चुकी है और बहुत बड़ी चक्कियां हो चुकी हैं। एक बिजनेस भी है ये। अगर आप आटा चक्की लगवा करके एक उद्योग शुरू करना चाहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर लगभग आधा कट्ठा जमीन है, भाड़े पर हो या खुद आपका हो, और एक आपके पास लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का अगर आपका बजट है, तो आप खुद का एक फ्लावर मिल लगवा सकते हैं। और ये फ्लावर मिल लगवाने का जो माध्यम है, हमारे साथ खुर्शीद जी हैं, हम इनसे थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये कैसे संभव है, कैसे आटा चक्की लगा सकते हैं। अब एक मतलब जो बजट चाहिए वो तो आपने बता ही दिया, मिनिमम वहाँ से स्टार्ट होता है। जिन लोगों को ज़्यादा का रिक्वायरमेंट है, मशीन बदलता है, बड़ा होता है कैपेसिटी प्रोडक्शन, तो अमाउंट भी बढ़ता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये ऐसा चीज़ है ना, ये इतने कम पावर कंजप्शन पे चलता है जितना कि गांव में लोग एक चक्की चलाते हैं ना, ये उसी पावर कंजप्शन में पूरा एक सेटअप चलता है, जो फ्लावर मिल बोल के उसको चलाते हैं हम लोग, उसी खर्चे पे चलता है ये। 15 HP का उन लोगों के पास भी मोटर होता है जो एक सिर्फ चक्की चलाता है। 15 HP का एक मेरे पास भी मोटर होगा जो पूरा सेटअप चलाएंगे हम, मतलब क्लीनिंग से मिलिंग वन टाइम, दोनों करके भी मोटर अंडरलोड होगा मतलब। और इसमें क्या होता है कि डबल टंकी तो होता ही है स्टोरेज के लिए, अल्टरनेट करके चलेगा, एक फुल है तब तक उसको खाली कर रहे हैं, तब तक दूसरे वाले को उसी पीरियड में कर लेंगे जब हम मिलिंग कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसमें अलग से कोई ये नहीं है कि इसमें अब मशीन बढ़ रहा है तो खर्च भी बढ़ेगा जैसा कि और लोगों में। हम आप खुद अभी ऐसा टाइम है, कोई यूट्यूब पर या कहीं से भी देख सकता है या बात कर सकता है, 2 चक्की के प्लांट में कम से कम 10 से 12 मोटर लोग लगाते हैं इंडिया भर में, चाहे जो कोई भी बना रहा हो। अगर कोई इससे कम लगाता नहीं है, मतलब ये है कि अब इसमें ट्रांसफार्मर की भी जरूरत है और ये कम से कम 45 किलोवाट 40 किलोवाट पे चलता है, जो हम 19 किलोवाट पे चलाते हैं। अब ये है कि मेरे एक 15 HP के मोटर पर 30 HP का लोड होगा बेशक, आप कैलकुलेशन करिएगा तो देखिए कि ये ऐसे करके 15 के जगह कम खर्चे में बड़ा रिजल्ट होता है। लेकिन ये 15 HP का मोटर ही पूरा 30 HP का काम करेगा, फिर भी अंडर लोड रह के करेगा, खर्चा कम आएगा, और उसका जो है प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगा। कम एक चक्की के ही कॉस्ट पे ये चलता है पूरा। क्या बात, एक चक्की के कॉस्ट पर आप पूरा फ्लावर मिल चला सकते हैं। कहाँ कहाँ लगवाए हैं आप फ्लावर मिल? बहुत सारा लगाए, सिवान डिस्ट्रिक्ट में ही कम से कम 7-8 होगा प्लांट, पूरे बिहार भर में अभी 42-44 लगभग प्लांट लगा चुके हैं, और मेरा प्लांट गुजरात में भी चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है।
जम्मू में भी है मिनिमम सेटअप में अगर हम कहें। अब देखिए क्या है, बात बता रहे हैं हम आपको, एक दो चक्की का प्लांट 5 लाख रुपए का भी हो सकता है और 20 लाख रुपए का भी होता है। अब समझने वाली बात यह है कि जो 5 लाख में बना रहा है वो होशियार है और जो 20 में खरीद रहा है वो बेवकूफ़ है, क्या है ये समझने वाली बात है। हम अगर क्वालिटी बढ़िया देते हैं तो हम 50 पैसे अगर ज़्यादा भी लेते हैं तो लोग झेल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और आप 50 पैसा कम भी कर दें तो भी कोई आपके पास में महंगा ही आने वाला है, अब नहीं आने वाला है, थोड़ा नखरा चलता है आपका अगर क्वालिटी बढ़िया है तो। यही बात है, तो आपको अगर चलना ही है मार्केट में तो सबसे पहली बात कि आपका बिजली का कॉस्ट सबसे कम, इससे कम में कोई भी प्लांट नहीं चला सकता। दूसरी बात कि क्वालिटी के लिए हम बोलते हैं कि जो लोग स्वास्तिक खाते हैं, अन्नपूर्णा खाते हैं या आशीर्वाद खाते हैं, है ना, वो तो फोर्टिफाइड आटा होता है, लेकिन बाकी स्वाद में या क्वालिटी जो देखने में आता है आप कंपेयर कर सकते हैं, आपका बेहतर होगा, आपका बेहतर होगा। नहीं, वो तो फोर्टिफाइड आटा होता है, उसमें अलग से मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर फोर्टिफाइड आटा नहीं है, कोई 20 लाख का 30 लाख का प्लांट चला रहा है तो क्वालिटी से कंपेयर कर सकता है। हम लोग शोध करते हैं, हम लोगों ने बदलाव किया है इसमें, है ना। अब क्या है कि पहले जो कोई भी यहाँ आए, यहाँ से आटा लेके जाए, खा पी की खाए आटा, इसके बाद फिर सोचेगी क्या करना है। और जो कम में कम की बात है तो उसमें यही हो सकता है कि क्लीनिंग का सेक्शन ना हो, उसको मैनुअली किया जाए और मिलिंग ही रखा जाए। तो मैनुअली तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीनिंग, है ना। तो यही कुछ है, अगर मानिए कि हम कोई एस्टिमेट कटौती करते हैं और क्वालिटी बिगड़ता है तो जहाँ भी प्लांट जाता है वहाँ कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है। मान लीजिए कि कोई कहता है कि आपने कि हमारे सर्किल में कहाँ प्लांट लगाया है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ प्लांट लगाया, हम बताएंगे फलां जगह लगाए हैं, अगर वो वहाँ जाता है विजिट करने, उससे रिश्तेदारी नहीं है तो वो बोलेगा कि साला हमको फंसा दिया। लेकिन अगर वो अच्छा चल रहा है, खुश है, तभी मेरी भी, हमें भी आपके बारे में बताया ही गया है, किसी आपने जहाँ प्लांट लगाया है उन्होंने बताया कि आप जो है प्लांट लगवाते हैं और बहुत खुश हैं। बताना नहीं चाहते, बहुत लोग बताना भी नहीं चाहते, इसलिए कि लोकल की बात है। दूसरी बात यह है कि हम लोग अपने नज़दीक में अगर हैं, बिहार की बात है, तो कोई भी दिक्कत होता है तो अपना आदमी भेज के उसको ठीक कराते हैं। हालांकि एक सोचने वाली बात है कि इतना सारा प्लांट चल रहा है, अगर सब में मेंटेनेंस ही होने लगे रहे तो फिर हम कहाँ टिक पाएंगे, उसी में आदमी लगा रहा है, इसलिए ऐसा हम लोग सोचते ही नहीं कि अभी कोई गड़बड़ हो, जो कुछ भी हो वो एकदम टूटा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और तगड़ा प्लांट हो। वही, कैसे आपसे लोग संपर्क कर सकते हैं अगर कोई प्लांट लगवाना चाहता है फ्लावर मिल? मोबाइल नंबर होगा तो आप उस पर बात कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी 9934250600।